किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपनों को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सब की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब लगता है हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है मानो देश दुनिया, समाज, दोस्त यार, परिवार, प्यार, समय और भगवान सब के सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। हर चीज़ हमारे साथ उल्टी पुल्टी और गलत हो रही है। ऐसा लगता है मानो सारी की सारी मुसीबतें एक साथ हमारे पीछे पड़ गई हैं। ऐसा क्यों होता है जब हमारे जीवन में कोई दुखी घड़ी आती है, कोई बुरा वक्त आता है, कोई परेशानी आती है तो चारों तरफ से दुख ही दुख, परेशानी और समस्याएं घेर लेती हैं। हर तरफ अंधकार दिखाई पड़ता है और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। तब हम खुद को अकेला, हारा हुआ, लाचार, बेबस और कमजोर फील करने लगते हैं और हिम्मत टूट जाती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, नदी में नहाने के लिए लहरों के रुकने का इंतजार करोगे ना तो जिंदगी भर कभी भी नहा नहीं सकोगे, क्योंकि नदी की लहरें कभी रुकती नहीं है। हमें उन लहरों से लड़कर उनके अंदर जाकर ही नहाना पड़ता है। वैसे ही जिंदगी भी वो नदी है जिनमें दुख, परेशानियां और मुसीबतों की लहरें हमेशा ही चलते रहती हैं। याद रखो जिंदगी में चाहे जितना भी कठिन वक्त क्यों ना आए, घबराना मत। हर कठिनाई, हर परेशानी अपने साथ कुछ ना कुछ सबक जरूर लाती है, हमें कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाती है। हम भी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा पा सकते हैं। बस हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बस सब्र करना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त जरूर आता है। अरे कह सकते हो तो इतना जरूर कहना कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनके चले जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं सारी परेशानियों से अकेले ही निपट सकता हूँ।